क्या इंसान हकीकत में ज़ोंबी बन जाएगा? लफ्ज़ ज़ोंबी का मतलब है ज़िंदा मुर्दा। आपने टीवी या फिल्मों में ज़ोंबीज़ का नाम तो सुना ही होगा, या आपने मूवी वर्ल्ड वार ज़ी तो देखी ही होगी। एक ख़तरनाक वायरस की वजह से इंसान देखते ही देखते ख़तरनाक दरिंदे का रूप इख्तियार कर लेता है। फिर ये सिलसिला चल निकलता है, और जब इंसान किसी दूसरे इंसान को काट लेता है तो वो इंसान भी ज़ोंबी बन जाता है। हत्ता कि देखते ही देखते शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं ज़ोंबीज़ के बारे में, वो ख़तरनाक और नाकाबिले यकीन हकायक जो यकीनन आपको पसंद आएंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि 8 अक्टूबर को वर्ल्ड ज़ोंबी डे होता है। ज़ोंबीज़ के बारे में दो नज़रियात पाए जाते हैं। ज़माना कदीम में कबल अज़ मसीह में वस्ती अफ्रीका में एक गांव था। एक नज़ाम्बी नामी शख्स, श्रापित शख्स जिसको श्राप दिया गया था, जो कि मर गया था और बाद में ज़ोंबी बनकर लौटा और सारे गांव को काट खा कर ज़ोंबी बना दिया। दूसरी थ्योरी, अफ्रीका में एक शख्स वायरस या ख़तरनाक ताबकारी रेडिएशन की जद में आकर ज़ोंबी बना था। इन दोनों सूरतों में पहले ज़ोंबी अफ्रीका से ही नमूदार हुआ था। ज़ोंबीज़ को कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि ये मुसलसल दिमागी तंजली का शिकार हो रहे होते हैं। ज़ोंबी के वायरस को ज़िंदा रहने के लिए सेहतमंद इंसानों के खून से हयातियात की ज़रूरत होती है, इसलिए ये दूसरे इंसानों को काटते हैं। साइंसदान कहते हैं कि ज़ोंबी इंसानी ताज़ा गोश्त खाने को इसलिए तरजीह देते हैं कि इनको इंसान के फ्रेश डीएनए और खून के खलियात से कुछ खास जरसोमों की ज़रूरत होती है। इंडिया की एक पुरानी कहानी के मुताबिक हज़ारों साल पहले एक बुराई की देवी नाराज़ हो गई और उसने ज़िंदा इंसानों को खाना शुरू कर दिया, और जो इंसान भी मरता जाता वो दोबारा ज़िंदा होकर ज़ोंबी बन जाता था। ज़ोंबी कैसे बनता है? कहते हैं कि वायरस के जिस्म में दाखिल हो जाने के बाद खून के ज़रिए सफ़र करते हुए दिमाग में दाखिल हो जाता है। फिर वायरस एक्टिवेट हो जाने के बाद ये अपने तमाम फंक्शन और होलनाकियाँ चालू कर लेता है। इस सूरत हाल में दिमाग को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती। वायरस दाखिल हो जाने के फौरन बाद इंसान फोत हो जाता है और एक मरा हुआ शख्स दोबारा ज़िंदा हो जाता है। माहरीन कहते हैं कि ऐसा दोबारा मुमकिन है कि कोई ऐसा ख़तरनाक वायरस इंसान पर हमलावर हो जाए और इंसान ही इंसान को काट खा जाए, और देखते ही देखते पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए और ये अमल इंसानियत की बर्बादी का बायस बने।